3 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हो रहे ढाबला और खेड़ला के ग्रामीणों का सब्र गुरुवार को जवाब दे दिया, जिसके चलते उन्होंने ढाबला फंटे पर चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर भैरवगढ़ TI ने पहुंचकर समझाइश देकर चक्का जाम खत्म करवाया। सरपंच हरि नारायण शर्मा ने बताया, पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली के बिल भी जमा किए हुए हैं। बावजूद इसके रुई ग्रिड के सुपरवाइजर द्वारा ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए परमिट नहीं दिया जा रहा। ऐसे में 3 दिनों से बिजली गुल है। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने गुरुवार रात करीब 9 बजे उज्जैन नागदा रोड को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लगी और वाहन चालक 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। हंगामे की सूचना पर भैरवगढ़ थाना प्रभारी जगदीश गोयल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति बहाल करवाने का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। ये ढाबला फंटा और खेड़ला दो गांव की लाइट पिछले दिनों से बंद है, तो ये सब लोग लाइट बंद होने से रोड पे आ गए थे, जिसकी वजह से जाम लग गया था। हमारे द्वारा आकर लोगों को समझाया है, MPUB की टीम को भी अवगत करा दिया, उनकी टीम भी आ रही है, लोगों ने मुझे क्लियर कर दिया है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है 3 दिनों से लाइट की। अब वो MPUB को बता दिया है हमने, वो आ रहे हैं MPUB, उनकी टीम आ रही है, वो बात कर लेंगे क्या है।